शील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने शासनपति श्रवण भगवान महावीर की मंगलमयी देशना अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना सुनी। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी ने इसे प्रस्तुत किया। आज जो यह वाचना हुई, यह चतुर्थ वर्ग और पांचवें वर्ग का कुछ भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आप सभी सुन ही रहे हैं और आपके मन में जिज्ञासा होगी, इस चतुर्थ वर्ग में और पांचवें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया और किन महापुरुषों का इन अध्यायों में वर्णन हुआ। बंधुओं, यह सब जानने के लिए हम अपने कथा के सूत्रों को कुछ जोड़ेंगे और पहले हम अपने भावों से चंपा नगरी में पहुंचेंगे। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में सुधर्म स्वामी विराजमान है। उनके सानिध्य में अनेक मुनिराज हैं, उनमें प्रमुख जम्बू स्वामी। प्रतिदिन की भांति चौथे दिन, चूंकि ये वाचना वर्ग के अनुसार एक एक दिन के क्रम से चली थी, चौथे दिन जम्बू स्वामी और अणगार गुरु चरणों में उपस्थित हुए, वंदन किया, नमन किया, प्रार्थना की। गुरुदेव अंतकृत दशांग सूत्र के आपने तीन वर्ग फरमाए, उनको हमने सुना। जिन महापुरुषों का वर्णन हुआ उनके चरित्रों को हमने जाना, उनका कितना ऊंचा तप और त्याग साधना थी। आगे हम चौथे वर्ग में सुनना चाहते हैं किन महापुरुषों का वर्णन हुआ। तब सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू आदि सभी अणगारो, तुम सुनो, इस चौथे वर्ग के अंदर जिन महापुरुषों का जिक्र है, उनकी साधना का जिक्र मैं बता रहा हूं,
10 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। उनके नाम थे जाली, मयाली, उवियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शाम्बे, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये 10 महापुरुषों का वर्णन इस वर्ग में हुआ। सहज जिज्ञासा है, ये कौन थे, कहाँ के थे, इन्होंने संयम कैसे ग्रहण किया, क्या साधना की, ये सहज जिज्ञासाएं हैं। श्री सुधर्म स्वामी ने बताया, ये जो महापुरुष हैं ये सभी यदु कुमार हैं और इनका जो संबंध है वह श्री कृष्ण के परिवार से उनका सबका संबंध है। थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए, एक से लेकर के और 5 तक जिनके क्रमशः नाम हैं जाली, मयाली, उवियाली, पुरुषसेन, वारिसेन। समझ रहे हैं भाई, इनकी कथा की चर्चा करेंगे, पहले परिचय की बात कर रहे हैं। ये जो 5 महापुरुष अभी जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये सभी सहोदर हैं, सगे भाई हैं। पीछे भी जिक्र आया था कुछ सगे भाइयों का, 18 भ्राताओं का जिक्र आया था, 6 भ्राताओं का जिक्र आया था, यहां भी ये जिक्र आया है। ये 1 से लेकर के 5 तक ये सहोदर सगे भाई हैं। इनके पिता वसुदेव, अब ये ऐतिहासिक तथ्य है वसुदेव के बारे में, हम बहुत ज़्यादा खोज करें कैसे, जो वर्णन है केवल यहाँ तो उसको समझ लें। पिता वसुदेव थे और इनकी माता का नाम धारिणी था और सब परिचय सहज है, राज परिवार है। यथाक्रम से इनके जन्म जब हुए थे, लालन पालन आदि सभी बातें जो हम पहले बता चुके हैं, यहाँ वो सब भी हम समझ सकते हैं। आगे चलें, हमारे सामने पावन नाम है प्रद्युमन कुमार का। किसका भाइया? प्रद्युमन कुमार का। ये बहुत प्रसिद्ध चरित्र है, इस चरित्र के ऊपर तो ग्रंथ हैं, इतना विस्तार वाला ये चरित्र है। यहाँ समझना है, प्रद्युमन कुमार के पिता स्वयं श्री कृष्ण थे और इनकी जो माता थी वह रुक्मणी थी। आगे शाम्ब कुमार का नाम है, शाम्ब कुमार के पिता कृष्ण हैं और माता का नाम जाम्बवती है। अनेक रानियाँ थी श्री कृष्ण की, अलग अलग रानियों से अलग अलग ये पुत्र हैं। तो शाम्ब कुमार के पिता श्री कृष्ण और माता जाम्बवती हैं। आगे नाम आया अनिरुद्ध कुमार का। अनिरुद्ध कुमार श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इनके पिता प्रद्युमन हैं, अभी नाम आया था जिनका, और माता का नाम वैदर्भी है। अतएव ये श्री कृष्ण के बंधु पौत्र हैं। आगे 2 नाम आए हैं, सत्यनेमी और दृढ़नेमी।
ये सत्य नेमी और दृढ़ नेमी, ये दो भाई तो हैं ही, ये चार भाई थे, उनका भी जिक्र कर रहा हूं। इनके पिता समुद्र विजय थे और माता का नाम शिवा देवी था, और आपको समझ भी गए होंगे, फिर भी थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। 22वें तीर्थंकर भगवान अर्षनेमिनाथ, और एक बार श्रद्धा का परिचय दोगे, भगवान अर्षनेमिनाथ के, भगवान अर्षनेमि चार भ्राता थे, सबसे बड़े अर्षनेमि थे, उनसे छोटे रथनेमि थे, और यहां जिनके नाम हैं सत्यनेमि और दृढ़नेमि, ये क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर थे। जो रथनेमि हैं उनके चरित्र का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र में हुआ है, यहां तो तीसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले यानी सत्यनेमि और दृढ़नेमि इनका जिक्र हुआ। सभी युवावस्था को प्राप्त थे, सबके विवाह हो चुके थे, अपने अपने महलों में वास करते थे, सबके अपने महल थे, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इस तरह जीवन चल रहा था। एक बार भगवान अर्षनेमि का द्वारका में पदार्पण हुआ, प्रभु आए, प्रभु का पदार्पण हुआ, श्री कृष्ण महाराज ने नगर में सूचना करवाई, प्रभु का आगमन हुआ है, द्वारका के लोगों ने सुना, प्रसन्न हुए, और फिर दूसरे दिन भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए द्वारिका वासी जाते। उन जाने वालों में ये जो 10 महापुरुषों का अभी मैंने नाम लिया था और जिक्र किया था, ये भी जाते। इनका परिचय तो हो ही गया, किस किस तरह से ये हैं, अपने क्रम से गए जैसे गए, ये सब भी जाते। इन्होंने भगवान की वाणी सुनी, औरों ने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी। भगवान की वाणी सुन करके इनके आत्मा जो सोई हुई थी वो जागृत हुई, इन्हें बोध प्राप्त हुआ, और जितना सुख वैभव इनके चारों ओर बिखरा हुआ था और अपने शरीर का जो इनके पास बल था, उस सब के बारे में इनका एक चिंतन बना। उसको हम थोड़ा सा इन शब्दों में कहना चाहेंगे, मिसाले बुलबुला है जिंदगानी, पानी का जो बुलबुला होता है वैसा, मिसाले बुलबुला है जिंदगानी, इस दौर फानी में जो तुमसे हो सके कर लो भलाई जिंदगानी। जीवन का सार यही है, जीवन मिला है तो कुछ भलाई अच्छा काम कर लेना चाहिए, जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए, अन्यथा अन्यथा तो फिर इसके लिए उदाहरण दिया गया, जैसे पानी का बुलबुला होता है, उसका कितना जीवन और कितनी स्थिति है, बस यही स्थिति मनुष्य के जीवन की भी है, जैसे बुलबुला खत्म हो जाता है, जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाता है, जीवन की यही स्थिति। किसी ने और कहा, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, मैं बात बढ़ा नहीं रहा, उनके भावों को आपके सामने ला रहा हूं, दुनिया की हर चीज आनी जानी देखी, दुनिया की हर शय फानी देखी, सब चीजें नश्वर हैं, नाशवान हैं, संसार की सारी चीजें, पर कुछ दो बातों की और जिक्र करते हैं। जो आंखें ने जाए वो बुढ़ापा देखा, हां जी भाइयों, बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम लेता कभी, चलो भाई बुढ़ापा चला गया,
जिंदगी तो चली जाती है लेकिन बुढ़ापा आने के बाद जाने का नाम नहीं लेता। जो आके न जाए, हाँ जी क्या कहा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न लौटे वो जवानी देखी। चली गई जवानी, व्यतीत हो गई, अब अभी लौट करके नहीं आते या फिर से नहीं आते। अतएव समझना चाहिए ये अवस्था, युवा अवस्था जिसको पा करके आदमी गर्वित तो हो जाता है, ये भी व्यतीत हो जाती है, चली जाती है और जाने के बाद में फिर ये प्राप्त नहीं होती। गांव के गली की बात, बच्चे खेल रहे थे, उधर से एक वृद्धा माता जिसकी कमर झुकी हुई थी, कहानी में वृद्धा ही कहा गया तो पुरुषों के साथ भी होता है, हाथ में जिसकी लाठी थी, कमर झुकी हुई थी, ऐसे झुकी झुकी आने लग रही थी। वृद्धा माता वहां से जो गुजरने लगी, बच्चे जो खेल रहे थे उनका खेल रुक गया। बच्चे थे, बाल समझ थे, परिहास किया माता का, दादी का, और क्या परिहास किया, कहने लगे बुढ़िया माता क्या खो गया, क्या ढूंढ रही है, झुके चल रही थी ना, जब आदमी का कुछ गिर जाए तो फिर झुक कर ही तो देखता, भाई यहाँ कहीं कुछ गिरा था यहाँ, तो बच्चों ने परिहास किया, दादी माँ क्या गिर गया, क्या ढूंढ रही है यहाँ पर। वृद्धा माता रुक गई और कहने लगी उन बच्चों को संबोधित करते हुए, रेरे बाल ने जाना सी गतम तारुण्य मोक्तिकम, मेरा जवानी रूपी मोती यहां गिरा है, यही कहीं गिरा है इस गली के अंदर, उसको ढूंढ रही हो, वो मिल नहीं रहा। भाइयों ये बात हम सभी सोच सकते हैं, ये जवानी यही कहीं जवानी रूपी मोती गिर जाता है, फिर ढूंढो कितना भी ढूंढो प्राप्त नहीं होता, जवानी जाने के बाद में फिर वापस लौटने का नाम नहीं लेती। यह इस जिंदगी की हकीकत है, सच्चाई है, जीवन का ये सत्य है, ये फिर से युवा अवस्था प्राप्त नहीं होती। इस सत्य को उन युवाओं ने जिनके अभी मैंने नाम लिए थे भगवान की वाणी सुन करके जान लिया, ये तो दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से जीवन मिला है और ये ऐसे व्यतीत हो जाएगा, हमें कुछ कर लेना चाहिए, जीवन का लाभ उठाना चाहिए। वे सभी भगवान के चरणों में आए, देशना हो चुकी थी, लोग जा रहे थे, वे चरणों में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमने आपकी वाणी सुनी और वाणी सुन करके हमने सत्य को जाना, सत्य को समझा, भगवान हम समझ चुके हैं यह जो संसार है नश्वर है, अब हम इस नश्वर संसार से निकलना चाहते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हम आपके चरणों में संयम लेना चाहते हैं। कैसे क्या भाव बने हैं, क्या विचार बने हैं, वो सब राजघराने के युवक और क्या ऊंची भावना करते हैं, हम संयम लेकर आत्म कल्याण करना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी भावना हो, भगवान ने तो यही फरमाया, वे प्रभु की वंदना करके एक बार को राज महलों में लौटे और लौट करके उन्होंने अपने माता पिता से और पत्नियों से और परिजनों से सबको एकत्र करके कहा, हम तो भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करेंगे। बंधुओं आप समझते हो, जानते हो, परिवारजन मोह से ग्रसित होते हैं, उन्होंने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु वो रुके नहीं।
उनका निश्चय दृढ़ निश्चय था और उन्होंने सोच लिया था अब तो हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अतएव उन्होंने संसार का परित्याग किया और परित्याग करके सुख वैभव सब कुछ छोड़ करके भगवान अर्शनेमिनाथ के चरणों में पहुंच गए और इन 10 के 10 युवाओं में युवाओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनकी दीक्षा के लिए कहना चाहते हैं, छोड़ा पथ राग का छोड़ा त्याग और वैराग का त्याग पथ स्वीकार आत्मा को तारा हो पथ स्वीकार आत्मा को छोड़ा पथ राग का छोड़ा त्याग और वैराग का त्याग पथ स्वीकार आत्मा को तारा हो पथ स्वीकार आत्मा को संसार का पथ छोड़ दिया, आत्म पथ स्वीकार कर लिया, मुनि हो गए, मुनि बन करके अब साधना शुरू कर दी। इन सभी नहीं अनेक प्रकार की तप आराधनाएं की और आराधनाएं करते हुए इस तरह है इनका शरीर कृश हो जाता है। पर सवाल शरीर का नहीं, सवाल आत्म उपलब्धि का है। इन्होंने आत्म उपलब्धि को प्राप्त किया, कर्म निर्जरा की और फिर अंतिम समय में भगवान की आज्ञा लेकर के ये एकांत पर्वत पर जाते हैं और वहाँ जाकर सभी संथारा ग्रहण करते हैं, आत्मरमण करते हैं और जीवन के अंतिम क्षण में यथा यथा स्थिति इन्होंने कर्मों के निर्जरा करते हुए सब ने ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया, इस नश्वर देह का परित्याग किया और इस देह को छोड़कर इनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई, मुक्ति में जाके विराजित हुई। इन सब को हम वंदन और नमन करते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जंबु इस तरह चतुर्थ वर्ग में भगवान ने इन 10 महान आत्माओं का वर्णन किया था और वो वर्णन मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया और ये सब इस तरह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। धन्य हो इन सब आत्माओं को जिन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया। दिन तो चौथा है पर अब हम जिक्र करेंगे पांचवें वर्ग का। पांचवा वर्ग विस्तृत है, आगे छठा वर्ग विस्तृत है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बांट करके चलेंगे। पांचवें वर्ग का जिक्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं, जम्बू स्वामी ने प्रार्थना की और कहा, गुरुदेव सुधर्म स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पांचवें वर्ग के अंदर किन महान आत्माओं का जिक्र है, हम उन महान आत्माओं के बारे में सुनना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू इस अध्याय में 10 महासतियों का जिक्र है। किन का जिक्र है? 10 महासतियों का जिक्र है। बंधु अभी तक आप यहां तक यानी चौथे वर्ग तक पुरुष साधकों के बारे में सुनते आ रहे थे। सब जो भी आपने सुना या वर्णन आया इसमें वह पुरुष साधकों का आया और पांचवें वर्ग के अंदर स्त्री साधिकाओं का वर्णन है।
ये 10 महासाधनियां कौन थी, इनका परिचय देते हुए पहले नाम बताए गए शास्त्र में। कहा ये जो 10 थी इनमें से 8 तो कृष्ण महाराज की पटरानियां थी। कितने भाइयों? 8। और 2 इनके पुत्र वधु में थी। इन सब ने, यानी ये 10 हो गई, 8 पटरानियां, 2 पुत्र वधु में, इन सब ने एक साथ दीक्षा ली थी, संयम के पथ पर आई थी। तो इकट्ठा इनका वर्णन हो रहा है। तो ये इनका वर्णन करते पहले नाम बताए गए, इनके नाम थे क्रमशः पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी। ये 8 नाम हुए जो श्री कृष्ण की पटरानियां थी। मूल श्री और मूल दत्ता ये 2 पुत्र वध में थी। इन्हें कैसे वैराग्य हुआ, इनके जीवन में क्या घटा? संभवतः आपकी परिकल्पना वही होगी जैसा कि और अध्याय में सुनते आ रहे हैं कि भगवान के चरणों में गए थे, वाणी सुनी थी और तब ज्ञान हुआ था और फिर इनके मन के अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ये जो वर्णन है यहाँ पर, ये वर्णन बड़ा अद्भुत है। उस वर्णन की मैं चर्चा करूँगा, उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि जैन धर्म में, तीर्थंकरों के इस धर्म के अंदर, नारी को पुरुष के बराबर का अधिकार दिया है। यहां पुरुष और नारी में आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया गया। यहां की परंपरा और मान्यता यह है, जैसे पुरुष साधना करके मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही स्त्री भी साधना करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। बंधुओं, मैंने बड़ी सहजता से कह दिया और आपने बड़ी सहजता के साथ में इस बात को सुन लिया, ठीक है। ये मामला इतना सहज नहीं है। आप पूछोगे क्यों, क्या बात? जहां में रहते हैं, कहां दुनिया में रहते और कहां रहते हैं, परंतु इस दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक परंपरा, अनेक मान्यताएं, अनेक संप्रदाय हैं, और कहो अनेक विचारधाराएं हैं। क्या विचारधाराएं हैं? थोड़ा सा आलोचना नहीं, केवल मैं नमूना आपको बताना चाहूंगा स्त्री के बारे में कैसी कैसी अवधारणाएं चलती रही हैं और लोग रखते रहे। एक शंकर प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है, छोटा सा ही है लेकिन प्रामाणिक माना जाता है वैदिक परंपरा का। उसके अंदर प्रश्न आया, उसमें कहा गया, द्वारम किम एकम नरकस, नरक का दरवाजा कौन सा, उसका क्या नाम है, बोलो। ये प्रश्न है, नरक का दरवाजा कौन सा है और उसका क्या नाम है, ये प्रश्न है। और उसका उत्तर दिया गया, नारी। अब बोलो, चुप हो जाओ आप भी, मैं भी। नारी जगत की जननी और जिसकी पुण्य कुक्षी से अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, संतों ने जन्म लिए हैं, उसको नरक का द्वार दरवाजा बताया। अब अवधारणा है, मैंने कहा ना कि मैंने कहा आपने सहज में सुन लिया, मैंने सहज में कह दिया, जो जिक्र आया था बता दिया। ये इतना सहज मामला नहीं है कि भी हमने कहा ये दोनों बराबर हैं। दुनिया में क्या मान्यताएं रही, मेरी माताएं, मेरी बहनें, कोई ऐसा कष्ट मन में ना माने कि क्या सुना रहे हैं। मैं तो दुनिया की बात बता रहा हूं, कैसी कैसी अवधारणाएं हैं। नारी के लिए नरक का दरवाजा होने का नाम बताया गया, और क्या धारणाएं रही हैं नारी के बारे के अंदर। स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री को और शूद्र को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए।
इन दो को शिक्षा का निषेध है। जैन धर्म की बात करूंगा, हमारे यहाँ क्या है, मैं तो धारणाएं बता रहा हूं स्त्री के बारे में, कैसे कैसे धारणाएं रही हैं और कैसे कैसे विचार रहे हैं बंधुओं, और थोड़ा कष्ट होता है। ये क्या बात है, पुरुष पति के देहांत के बाद में स्त्रियां सती हो गई, कोई आदमी सता नहीं हुआ आज तक, ये क्या बात है। ये सारी जिम्मेदारी नारी की थी कि भी आदमी पति का देहांत हो गया, चल तू भी जल के मर इसके साथ में, स्त्री का देहांत हो जाए ये आदमी क्यों नहीं मरे। इतिहास में कोई एक ही घटना हो, कोई दुखी आकर के गुस्से में जल मरे अलग बात है, लेकिन किसी ने ये कह करके कि मैं भी सता होना चाहता हूं इसके पीछे है कोई इतिहास में ना। और बंधुओ, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कितना भयंकर काम अग्नि परीक्षा का। और बंधुओ, माता अंजनी को जंगलों में भटकना पड़ा, और बंधुओ दमयंती की क्या हालात हुई, क्या स्थिति हुई, ये सारी बातें नारी के जिम्मे थी। और भेड़ और बकरियों की तरह से पता नहीं कितनी नारियां बिकती रहे, उनमें से चंदना भी एक थी जो आज हमारी परम पूज्या हैं, और शासन के सर्वोच्च स्थान के ऊपर स्त्री सती समाज के अंदर इतना ऊंचा जिनका स्थान है, महावीर के प्रथम शिष्या है, उसकी स्थिति क्या रही, बाजार के अंदर भी की थी, क्या स्थिति रही नारी की और क्या हालात रहे नारी की, इन स्थितियों को देखकर किसी कवि ने यूं कहा, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, सिर्फ आंसू गिराती रहो, दुनिया के दुख और कष्ट भोगती रहो, यही नारी के बाटे आया, यही कुछ हुआ। इस तरह से इसने दुख, पूरा इतिहास भरा पड़ा है नारी के दुखों से, कितना कितना कष्ट झेला इन नारियों ने। जैन धर्म तीर्थंकरों का धर्म, यह वह धर्म है जिसने आत्मा और आत्मा में भेद नहीं, जैसे पुरुष की आत्मा वैसे स्त्री की आत्मा, भेद देह का है, देह मोक्ष नहीं जाती, देह तो सबकी जल कर यही भस्म होती है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। जितना साधना करके पुरुष आत्मा यानी पुरुष ऊंचाई को पा सकता है, ऐसे स्त्री भी स्त्री देह में रहकर साधना करके उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। अतएव बंधुओ, यहां जो अंतकृत दशांग सूत्र की चर्चा में पांचवा वर्ग आया, ये जो पांचवा वर्ग है यह नारियों का है, ये सतियों का है, ये महासतियों का है, और उनका है कि जिन्होंने साधना करके मुक्ति मोक्ष को पाया। एक बात तो यह है कि जैन धर्म जैन आगमों में नारी को समानता का अधिकार दिया है। एक आध बात आलोचना की नहीं, वैसे बता रहा हूं, ऐसा पढ़ा, मैं नहीं कह सकता वो कितना, वैसे पढ़ा तो प्रामाणिक किताब में ही हूं, तो मैं नहीं कह सकता कोई अखबार की कटिंग थी, पुस्तक की बात बता रहा हूं। इस्लाम के जो शरीयत है उसके अंदर नारी का आधा वोट है, आदमी का पूरा वोट है, नारी का आधा वोट है, गवाही देनी पड़े दो औरतों के गवाही एक आदमी के बराबर होगी। अगर कहीं गवाही औरत की दी, औरत को देनी पड़ जाए एक तो आधी गवाही, दो अगर देंगे तो एक गवाही मानी जाएगी, आदमी एक गवाही देगा एक आदमी उसकी गवाही पूरी मानी जाएगी, बताओ। अब ये मैं कह रहा हूं कि हम लोग कोई आलोचना है तो कर नहीं रहे किसी की, मैं तो जो बातें पढ़ने में आती हैं वो बताने लग रहा हूँ। कहना यह है कि जैन धर्म के अंदर नारी को बराबरी का अधिकार दिया गया है, ये बात सिर्फ कहनी थी, बतानी थी। और यहाँ 10 महासतियों का जिक्र है कि जिन्होंने साधना करके आत्मकल्याण किया। बंधुओं,
इनके जो आत्म कल्याण की कथा वो भी बड़ी अद्भुत है। ये तो आप सुन ही चुके हो कि इन 10 जो अभी आपके सामने नाम लिए गए थे महासतियों के, ये सती कैसे बने ये तो जिक्र आएगा ही। सवाल इनमें से 8 कृष्ण के पटरानियां हैं और 2 कौन हैं? पुत्रवध हैं। इन्हें वैराग्य कैसे हुआ ये जानने की बात। इस बात को जानने के लिए हम इस कथा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। एक बार 22वें तीर्थंकर भगवान अरहा अरिष्णे मीनाथ द्वारिका पधारे। द्वारिका के बाहर उद्यान में विराजमान हुए। ये घटना कभी की पिछली घटना अपने समय में हुई, ये और का प्रसंग अनेक बार यहाँ पर भगवान का पदार्पण हुआ था। इस बार की कुछ नई बात सामने आ रही है, भगवान का पदार्पण हुआ, सब लोग भगवान के दर्शनों को गए, वासुदेव श्री कृष्ण भी गए प्रभु के दर्शनों के लिए गए। शायद कोई व्यक्ति ये सोचे, इन जैनियों ने अपनी किताबों में ना ऐसा बना रखा है, कृष्ण जी दर्शन करने के क्यों जाएंगे, दर्शन करने के लिए कृष्ण जी भगवान है क्यों जाएंगे वो। देखो अपनी सोच, मैं कुछ बात बता रहा हूँ भगवान अरिष्णेमी के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में। भगवान अरिष्णेमी ये तो पारिवारिक दृष्टि से तो आपको पता ही है कि आपस में इनका परिवार एक था, लेकिन यहाँ जो प्रसंग है समझने का वो यह है, अरिष्णेमी जो हम कहते हैं ना कि बस हमारे हैं, ऐसा नहीं, बड़ा व्यापक व्यक्तित्व है। पहली बात तो ये जो मैं कह रहा था, भाई श्री कृष्ण क्यों दर्शन करने जाएंगे, एक ऋषि हुए, वैदिक कथा बता रहा हूं, उनका नाम था घोर अंगिरस ऋषि। क्या नाम लिया, मुश्किल सा नाम है ना थोड़ा, घोर अंगिरस ऋषि, ये इस नाम से ऋषि हुए। आया वैदिक ग्रंथों में वर्णन कि श्री कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के दर्शन करने गए, तो इसका मंत्र श्री कृष्ण साधुओं के ऋषियों के मुनियों के दर्शन करने जाते थे। अगर अरिष्णेमी को हम एक ऋषि मान ही लें, चलो हमारे इसमें तीर्थंकर उनको उस भाषा में ऋषि कह लें और दर्शन करने चले गए, फिर क्या बात हो गई। जब अंगिरस ऋषि के दर्शन करने जा सकते हैं तो और ऋषियों के दर्शन करने नहीं जा सकते, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि वो क्यों गए दर्शन करने। अरे ऋषियों के मुनियों के दर्शन करने जाना ये तो बड़ी अद्भुत बात होती है, और श्री कृष्ण तो ऋषियों के महान आदर करने वाले थे। पीछे आपने सुना दुर्वासा ऋषि की बात को सुना, तो वे हाथ जोड़ के खड़े रहे ऋषि के सामने, कुछ नहीं बोले। और वहां जिक्र आया घोर अंगिरस ऋषि का, उन्होंने श्री कृष्ण को उपदेश दिया, और क्या उपदेश दिया, श्री कृष्ण को कहा यह आत्मा अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता, ये मूल के अंदर है ग्रंथ में। उपदेश 3 दिए और एक क्या दिया, पहली बात कही आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये आत्मा अजन्मा है, इसका जन्म भी नहीं होता, और इस आत्मा का जो ये हमारी आत्मा है, इस आत्मा का न नाश होता है न इसका जन्म होता है, ये हमेशा ऐसी रहती है आत्मा। और इस उपदेश को सुनकर कृष्ण ने धन्य कहा, आपने मुझे उपदेश दिया मैं धन्य हुआ। बंधुओ ये जब हम ऊपर के स्तर पर देते हैं देखते हैं तो कोई विवाद नहीं है, विवाद आज के लोगों ने बना रखे हैं अपने स्वार्थों के अंदर बना रखे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिक्र तो आगे करना है। भगवान अरिष्णेमी का, अरिष्णेमी की कथा
किसी न किसी रूप से प्राकांतर से दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अरिष्टनेमी के नाम से प्रसिद्ध नहीं है। चीन के अंदर एक देवता का नाम आता है, चीन में उस देवता का नाम फो है, चीनी नाम है। आपको क्या मतलब, मतलब तो क्या बताएं, चीनी नाम है। क्या नाम लिया मैंने, फो, ये नाम है। देवता माना जाता उसको फो को। वो जो फो है वो शादी करने जाता है, उसकी कथा फो की। फो शादी करने जाता है और जहां शादी करने गया वहां पशु बंधे हुए थे और उनको मार करके उन बारातियों का के लिए भोजन बनना था। फो ने सवाल किया, भाई ये पशु क्यों बंधे हुए हैं, तो बताया उसको। तो फो शादी छोड़ करके वापस लौट आया और फिर उसने संन्यास ले लिया। फो की कथा, आप बताओ ये फो की कथा है या अरिष्टनेमी की कथा है, किसकी कथा है ये? और देशों में भी इस तरह देवताओं के और संतों की कथाएं हैं जिनके अंदर एक वो जाते हैं और जाकर के लौट आते हैं। शबरी का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ना, क्यों भाइयों बोलो जरा। शबरी, शबरी की कथा ये है कि शबर कहते हैं भील को, शबर नाम है भील का। ये भीलनी थी, भीलनी भी कहते हैं इसको, भीलनी के बेर खाए, और शबरी भी कहते हैं इसको। शबर नाम है भील का। भील एक जाति है, भारतवर्ष के जंगलों में रहते हैं। इसका नाम कुछ और था। ये जब युवा हुई इसके विवाह की तैयारी की गई और विवाह के लिए पशु मारने के लिए लाए गए थे। ये शबरी जो थी, जिसका जिक्र कर रहे हैं, रात को उठी, इसने अपनी माँ से पूछा था कि ये इतने सारे भेड़ बकरियाँ हिरण क्यों लाए गए हैं। इसकी माँ ने कहा तेरी शादी है। ये लड़के शबरे रात को उठे और घर से भाग गई और मिली नहीं, और शादी की टाल हो गई। जब मिली लड़की नहीं मिली, शादी होती कहाँ से। फिर ये जंगलों में रहने लगे, बाद में पता चला, और ये राम भक्त हो गए, राम की उपासक हो गए। अब बताओ इसके मूल में क्या कथा आई। ठीक है, वो एक लड़की की कथा है, ये अरिष्टनेमी में एक पुरुष की कथा है, राजकुमार की कथा है, पर कथा के जो अंश हैं वो क्या बता रहे हैं, दया की बात बता रहे हैं, करुणा की बात बता रहे हैं। अरिष्टनेमी ने ऐसा किया, फो ने ऐसा किया, और भी देवताओं के नाम विश्व में आए, स्कैंडिनेविया आदि में, वहां भी ऐसा हुआ, और शबरी की कथा है वो छोड़ करके रात को चली गई। इन सब के मूल के अंदर करुणा, दया, अहिंसा, इसका भाव है। तो बात तो थी ये कि श्री कृष्ण क्यों गए अरिष्टनेमी के पास, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो गए, वो एक ऋषि थे, संत थे, हमारी भाषा में वे तीर्थंकर थे, और कोई शब्द हम कह सकते हैं, वो संत थे यूं कह सकते हैं। और ऋषि के पास में जाना ये तो बड़ी ऊंची बात होती है। श्री कृष्ण गए, बैठे। आज एक नई बात हुई, नई बात क्या हुई, अब दो महापुरुष, एक अध्यात्म जगत के हैं तो एक संसार को रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके बीच में कोई बात होती है तो बात कितनी महत्वपूर्ण होगी। श्री कृष्ण ने अरिष्टनेमी से प्रश्न किया, भगवान ये जो द्वारिका है स्वर्ण में सोने की बनी हुई है, ये द्वारिका शाश्वत है या अशाश्वत है? शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाला, सदा रहने वाली। अशाश्वत कहते हैं जो सदा न रहे, नष्ट हो जाने वाला या नष्ट हो जाने वाले। नगरी शब्द है, इसलिए हम वाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये द्वारिका हमेशा शाश्वत रहने वाली है या ये नष्ट हो जाने वाली है, ये प्रश्न। भगवान अरिष्टनेमी ने कहा ये अशाश्वत है,
यह नष्ट हो जाने वाली है। भगवान ये इतनी भव्य नगरी, इतनी अद्भुत नगरी नष्ट हो जाएगी। हाँ वासुदेव, ये नष्ट हो जाएगी। दुनिया की कोई चीज शाश्वत नहीं है, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। आत्मा शाश्वत है, पर वो दुनिया से अलग होती है। देह शाश्वत नहीं है, कोई मकान शाश्वत नहीं है, कोई यहाँ की चीज शाश्वत नहीं है, कोई चीज यहाँ दुनिया की शाश्वत है ही नहीं। भगवान इसके नाश होने में क्या चीज कारण बनेगी, क्या निमित्त बनेगा? कोई तो है ना कि निमित्त, भाई भूचाल आया, पूरा नगर का नगर जो था वो जमीन में समा गया, बाढ़ आ गई, डूब करके मर गए, कुछ और हो गया, कोई और कोई कांड हो गया, इसके नाश होने का क्या कारण बनेगा? भगवान ने कहा इसके नाश होने का कारण तीन कारण बताए। सुरग्गे दीवान विनाशे मूलाए भविष्य, इसके तीन कारण होंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया सुरा शराब। भाइयों ध्यान से सुनते चलना, सबसे पहला जो कारण बताया इस नगरी के नाश का, वो बताया सुरा शराब। दूसरा बताया सुरग्गी अग्नि, ये अग्निकांड में नष्ट होगी। और ये फिर आगे क्या, द्वीपायन नाम के ऋषि इस काम को करेंगे। द्वीपायन नाम के ऋषि इस कार्य को करेंगे, ये इसके नाश का कारण होगा। इसको हम एक भाषा देते समझने के लिए, वो भाषा ये बनी, द्वारिका के लोग शराब के नशे में आकर के द्वीपायन ऋषि को सताएंगे, और ऋषि फिर अपने शक्ति से बल से जला करके इस नगर को नष्ट करेंगे, ये इसकी भाषा बनी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण बहुत हैरान हुए, ये इतनी सुंदर नगरी कैसे बनी थी, देव की आराधना से फिर ये बनाई गई थी, और ये ऐसे नष्ट हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सारी मेहनत ऐसी चली जाएगी। सोचने लगे, एक विचार ख्याल में आया, अंतर में आया, और वो क्या ख्याल आया, धन्यानं ते जाली मयाली उव्याली पुरिसन वारिसन, धन्य हो उन जाली मयाली उव्याली आदि युवाओं को, जिनका भी जिक्र चला था, चौथे वर्ग के अंदर जिक्र आया था, उनको धन्य हो। क्यों धन्य हो? कि जिन्होंने सारा सुख वैभव सब ठुकरा करके छोड़ करके संयम ले लिया आत्मा के कल्याण के लिए, और संयम के पथ पर चले गए, मुक्ति की राह पर चले गए, उन्हें धन्य हो। उन्होंने तो समय से वक्त से ही अपने आत्मा का कल्याण कर लिया, मेरा मन करता है मैं भी इसे छोड़ करके इस संयम के पथ के ऊपर चला जाऊं। संयम लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान अरिष्णेमि ने कहा वासुदेव ऐसा नहीं हो सकता, न पहले कभी हुआ और न तुम कर सकते हो, न कभी आगे होगा। क्या मतलब? जो वासुदेव होते हैं ये निदान कृत होते हैं, ये पीछे अपनी तपस्या साधना का निदान करते हैं तब ये वासुदेव बनते हैं, अतएव ये संयम नहीं ले सकते। जब तक उस कर्म का भोग पूरा न हो ले तो ये तो अपना कर्म भोग पूरा करते हैं, अतएव तुम संयम नहीं ले सकते, तो वही अच्छे रहे। मैं नहीं ले सकता, उन्होंने संयम भी ले लिया, अंतर में दुख माना, इस बात को लेकर उनके मन में दुख आया। प्रभु ने फिर कहा कि तुम ऐसी चिंता कर रहे हो? हाँ भगवान, मेरे मन में इस बात की चिंता है। नहीं, तुम इस बात की चिंता ना करो, तुम इस बात को लेकर दुख मत मानो।
तुम इस जन्म में तो नहीं, परंतु आगे, अब भविष्य बता रहे हैं, परंतु आगे भविष्य के अंदर तुम तीर्थंकर बनोगे, अगले 24 के अंदर तुम 12वें तीर्थंकर बनोगे, तुम्हारा नाम अमम होगा और शतद्वार नगर पुण्ड्रदेश वहां पर तुम्हारा जन्म होगा और तुम फिर वहां संसार ऐश्वर्य का उपभोग करके संयम लोगे और फिर तुम साधना करोगे और तीर्थंकर पद को प्राप्त करोगे। अतएव तुम इस बात को कर्म भोग समझ के जान लो और आगे भविष्य में ऐसा होगा। इस बात को सुनकर मन के अंदर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं आगे तीर्थंकर बनूंगा। इस बात से उन्हें प्रसन्नता होती है। एक बात और पूछी और वो यह पूछी, भगवान मेरे इस देह का जो बिछोह है, वियोग है, वो कैसे होगा? द्वारका के नष्ट हो जाने के बाद में तुम जा रहे होगे वन से और वहाँ उस वन के अंदर तुम लेटे होगे, तब तुम्हारे पांव का पद्म चमक रहा होगा, जरा कुमार नाम का युवक तुम्हें बाण मारेगा, तुम्हारे पांव में उससे तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम अपने लोक को चले जाओगे। उसके बाद आगे के जन्म के अंदर तुम फिर अमम नाम के तीर्थंकर बनोगे। इस बात को सुनकर दुख भी हुआ कि द्वारिका नष्ट होगी और इस तरह की घटना घटेगी, लेकिन इस बात से कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, वो खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने शंखनाद किया, गूंज उठी दिशाएं चारों ओर से, जो जहां था स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? इतने जोर से शंखनाद हुआ, कृष्ण के सिवाय कोई नहीं कर सकता। क्या बात हुई? पता चला वो हर्ष में, खुशी में है, भगवान की वंदना करके वो लौटे आए, आकर सिंहासन पर बैठे। श्री कृष्ण मन में कहते हैं, उपाय तो कुछ करना चाहिए जिससे कि ये जो होने वाली घटना है इसको रोका जा सके। लेकिन घटना तो नहीं रोकी जा सकती, पर वो सोच रहे, आदमी का काम पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना चाहिए। और भगवान ने तीन चीजें बताई हैं, दो चीजें मेरे हाथ के अंदर हैं, मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा। तब श्री कृष्ण ने दो घोषणाएं करवाई। ध्यान से सुन लो भाई, दिल्ली वालों कहूं, प्रशांत विहार वाले कहूं, श्रावक शब्द में सभी आ जाते हैं, यहां के और बाहर के श्रावक और श्रावी कहो, श्री कृष्ण ने उस समय पहली घोषणा करवाई, द्वारिका निवासियों सुन लो, ये स्वर्णमयी यह द्वारिका एक दिन जल करके खाक हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर द्वारिका का कोई निवासी, कोई व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करना चाहता हो तो वह आत्म कल्याण कर ले और संत जीवन स्वीकार कर ले, भगवान के चरणों में चला जाए, आत्म उद्धार कर ले। यदि किसी के जाने में कोई बाधा है, कोई ये कहता है दीक्षा तो मैं ले लेता पर मेरे तो बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने कहलाया कि कृष्ण उसके बच्चों का पिता बन करके पालन करेगा, वो कोई चिंता ना करे बच्चों की, उनका पिता मैं बनूंगा, जा सकते हो। कोई ये कहे मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, सेवा करनी है, मैं भी दीक्षा ले लेता, कृष्ण उसके माँ बाप का बेटा बन करके उनके सेवा करेगा। कोई आत्म कल्याण करना चाहे कर ले। इस बात से पता चलता है कि कृष्ण आत्म साधना करने वालों के लिए कितने उदार थे और कितने समर्पित थे। आत्म कल्याण कर लो, अपने आत्माओं का उद्धार कर लो और इस भयावह दुखों से निकल जाओ। किसी पर कर्ज है, कृष्ण क्षमा करता है, जिसके पैसे देने हैं, कर्जा देना है, वो आए और कोष से धन ले जाए अपना। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये घोषणा हुई, घोषणा करने वाले सॉरी द्वारिका में घोषणा करी,
सब लोग अड़ोसी पड़ोसी, हाँ भाई क्या बात हो गई भाई, ये घोषणा कह रहे हैं कृष्ण जी द्वारिका का नाश हो जाएगा, और ऐसी क्या बात होगी क्यों नाश हो जाएगा भाई, ऐसा ही कह रहे हैं, और इतनी सुंदर हमारी नगरी नाश कौन कर देगा, कौन शत्रु आ जाएगा भाई, ये नहीं पता, कृष्ण की घोषणा है ये नाश को प्राप्त होगी, और इतनी सुंदर नगरी नाश को प्राप्त होगी, फिर तो करो अपना कल्याण, निकलो यहाँ से, क्यों जल के मरो इसके साथ में, अपना उद्धार करो। बहुत लोग निकल गए, दीक्षाएं ले ली, उसमें युवा भी थे, वृद्ध भी थे, बाल भी थे, अनेकों ने दीक्षाएं ले ली, और जो जो श्री कृष्ण ने कहा था मेरे बच्चे छोटे हैं सौंपे वहां, कृष्ण ने कहा हम पालन करेंगे, अनेक लोगों को अनुमति दी। ये जो उन्होंने कार्य किया, संयम लेने में सहयोगी बने और प्रेरणा दी इस बात की, तथा ऐसी प्रेरणा दे करके जो अनुमोदना उन्होंने की, इसका बड़ा भारी फल हुआ। लोग हैं, कोई भाई बहन बुरा ना मान जाए।